के पीछे भागते हैं, लाखों कारण आ जाएं, लेकिन गोविंद नहीं रुकते, गोविंद चले आते। मीरा के जीवन की एक चर्चा है। मीरा सदगुरु की तलाश में वृंदावन आई। मीरा को सदगुरुदेव चाहिए थे। मीरा ने सुना है कि एक महात्मा यहां बड़े प्रसिद्ध हैं, जरा जाऊं मैं दर्शन करूं, उनको प्रणाम करूं। मीरा ने द्वार पर दस्तक दी, प्रवेश करने लगी तो द्वार वालों ने रोका, क्षमा करो बहन, अंदर कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं करती। मीरा ने कहा क्यों? तो द्वार पर लगे हुए बालकों ने, आचार्यों ने कहा, देवी जी दरअसल हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मीरा कहती है, भगवान क्षमा करना, आपके गुरुदेव का नियम नहीं तोड़ना चाहती हूं, लेकिन मेरी एक खबर जरूर आप अपने गुरुदेव को देना कि मैं तो वृंदावन इसलिए आई थी कि मैंने सुना था वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, वो कृष्ण कन्हैया है, बाकी सब यह गोपियां हैं। अगर ये कोई कृष्ण नहीं, कोई दूसरा पुरुष है, तो बड़ी अद्भुत बात। जो आचार्य लगे हुए थे उनका दिमाग के तारे खुल गए। आचार्य भागे भागे अपने सदगुरुदेव के पास गए, गुरुदेव कोई मीरा नाम की आई है, वो कह रही है कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, वो कृष्ण कन्हैया है, बाकी वृंदावन में रहने वाले पशु पक्षी भी गोविंद की गोपियां हैं। गुरुदेव समझ गए, कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है, कोई साधारण नारी नहीं है। भागे भागे गए, मीराबाई के दर्शन किए, मीराबाई को दंडवत करके कहते हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी, भगवान आपको प्रार्थना करें, हमारे पागलों जीवन में ऐसे संतों का या ऐसी गाथाओं का प्रभाव ही हमारी भक्ति को दृढ़ कर सकती है। भगवान की भक्ति तभी दृढ़ होगी जब हम भक्तों के चरित्रों को सुनें, उन पर अमल करें। महाराज हमसे ज्यादा हमारी खुरक परमात्मा को है, हम लोग करते रहते फा फा फा, अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अब बड़े हो गए, अब नौकरी की व्यवस्था हो जाए, अब मकान की व्यवस्था हो जाए, अब ये व्यवस्था हो जाए, हम लोग रोते रहते, चिल्लाते रहते, हाथ जोड़ते रहते, फड़फड़ाते रहते हैं। लेकिन एक बात कहें, जो भक्त परमात्मा के अधीन होता है ना, उस भक्त की चिंता भक्त से ज्यादा उस भगवान को होती है। मीरा की चिंता मेरे माधव को थी, इसलिए तो मीरा को कहीं डिगने नहीं दिया। देखो सहना तो पड़ेगा, भक्ति कैसा मार्ग है, आपको बातें सुननी पड़ेगी, सहना पड़ेगा। हम अपनी ही कहें, कितना नहीं सुनते, जिनको ना मिलो वही गालियां देते। महाराज तो अमीरों के हैं, बड़ों के हैं, गरीबों को कौन पूछता। ये किसी को नहीं दिख रहा कि तीन दिन से सोए नहीं, ये किसी को नहीं दिखा कि कौन अमीर कौन गरीब, लेकिन इससे क्या लेना देना, उन्हें तो अपने स्वार्थ सिद्धि से मतलब। हमसे कल एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप कभी भी कुछ बोल देते हो, हम आप लोगों से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर टीवी के माध्यम से, हम सदैव वही बोलते हैं जो शास्त्र में होता है, अशास्त्रीय भाषा का प्रयोग हमने कभी नहीं किया। हाँ बोलचाल की भाषा में दो चार शब्द हमारे जरूर ठीक नहीं, ग्राम में प्रभाव के कारण, क्यों? क्योंकि हम बुंदेलखंड के हैं, इसलिए हमारी बुंदेली नहीं जाती है, न बुंदेली विचार जाते हैं, बाकी हम जो भी बोलते हैं शास्त्र सम्मत बोलते हैं। श्लोक शुद्ध नहीं है, संस्कृत निष्ठ नहीं है, वेद वेदांग निष्ठ नहीं है, लेकिन एक बात है, हम जो भी बोलते अपने सदगुरुदेव की प्रेरणा से जो बोलेंगे उसका प्रमाण रखेंगे, हम कभी बिना प्रमाण के नहीं बोलते। मति और भाव को छोड़कर, कोई भाव निजी हो तो हम कह भी देते ये हमारा भाव। अब कोई अगर कहता है उसकी निज मजबूरी है, लेकिन मैं प्रार्थना करूं शास्त्र की बात बोलना कोई गुनाह नहीं है,
और अगर हम ही शास्त्र की बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा ये बताओ हमको। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा, किसको पड़ी है।